वेलकम टू प्रीतीज हेयर एंड ब्यूटी केयर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि दूध से कंडीशनिंग कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आज देखिए, मैंने ऑयलिंग की रखी है, रात में ही वो ऑयल लगा लिया था। अब मैंने अपने पूरे हेयर को डिटैंगल कर लिया, बिल्कुल भी उलझे हुए नहीं है मेरे बाल, ये देखिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि इससे दूध से कैसे कंडीशनिंग करना है। आप जैसे मैं दूध का बता रही हूँ, इसी तरह से आप अपने हेयर पे अपन चावल बनाते हैं और जो उसका मांड बचता है राइस वाटर, उसमें भी आप कोई अच्छा ऑयल डाल के या घी डालकर, इसी तरह से जैसे दूध से कर रही हूँ मैं, इसी तरह से आप उसे भी डाल सकते हो और उससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और प्लीज़ गाइस, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि कंडीशनर जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। अगर आप नेचुरल वे में अपने हेयर की कंडीशनिंग करोगे, आपकी हेयर क्वालिटी बहुत बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो देखिए कैसे करना है। पहले ऑयलिंग होगी आपके हेयर में, उसके बाद क्या करना है, अपने पूरे हेयर को यूँ नीचे कर लेना है, उल्टा करके नीचे कर लेना है। और उसके नीचे सबसे पहले इस तरह का कोई भी एक, आपके पास कोई भी कंटेनर हो, या ये नहीं है बकेट है, आप बकेट रख सकते हो, टब रख सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, कोई बड़ा बर्तन चाहिए बस, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको अपने पूरे बालों को यूं कर लो, ये सारे बाल मेरे ऐसे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, ये धीरे धीरे दूध को देखिए अपने हेयर में डाल रही हूँ और मेरे पूरे बाल इधर हैं, तो ये बिल्कुल भी कहीं गिर नहीं रहा है, पूरा उसी बर्तन में गिर रहा है। इस तरह से देखिए, इस तरह से स्लोली स्लोली आपको अपने हेयर में ये अप्लाई करना है। और नीचे कंटेनर में वो एक्स्ट्रा जो दूध है वो इस कंटेनर में गिरता जा रहा है, देखिए इस तरह से ये हो गया। अब जो है ये देखिए, एक ग्लास जो है पूरा खाली हो गया। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट अपने हेयर को एक बार इस तरह से टर्न करके, क्योंकि वो टपक रहा है, तो ये मैं हेयर को इस तरह से कर लिया मैंने, और अब ये दूध को मैं वापस इस ग्लास में डाल दूँगी, क्योंकि पूरे बाल मेरे अभी गीले नहीं हुए। तो इस तरह से मैं ये प्रोसीजर 2-3 बार करूँगी। ये हो गया इस तरह से, और इसके बाद मैं एक बार और कर लूँगी, ये पूरे पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से मेरा एक भी स्ट्रैंड नहीं बचा, पूरे हेयर में दूध अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब मैं इसे धीरे से ऐसे निचोड़ लूँगी। तो कोई भी शावर कैप लगाकर या टॉवल लपेट कर या एक क्लचर लगा के आप इस तरह से अपने बाल को 1 घंटे छोड़ देना आपको। देखिए इस तरह से मैंने अब टॉवल को इस रैप कर लिया, और अब 1 घंटा आप अपने हेयर को इसी तरह से रखिए। आफ्टर 1 आवर आप आराम से शैम्पू कर लीजिए और आपको फिर कोई कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होगी, और आप देखोगे कि आपके हेयर एकदम सॉफ्ट हो गए, ऑयल लगा हुआ है, प्लस ये दूध लगने से जो कंडीशनिंग हुई, आपकी हेयर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। धीरे धीरे वो हेयर एकदम स्ट्रेट लगने लगेंगे और बहुत खिले खिले से अच्छे धूप की हो जाएंगे, ठीक है।